गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज रोलेज थ्योरम। फर्स्ट वी डिफाइन द स्टेटमेंट ऑफ रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम सेज इफ वी हैव अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, दैट मीन्स एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड एंड differentiate in the open interval, that means end point are excluded. We have to work on intermediate values and function of a equals to function of b, then there exist at least one value at or one point in the open interval such that the derivative of the function at that value equals to zero. अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और वो एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तब उस क्लोज ओपन इंटरवल में 100% एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका डेरिवेटिव, जिस पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। अब ओपन इंटरवल में आपको वो पॉइंट ढूंढना है, दैट मीन्स एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, आपको इंटरमीडिएट वैल्यू में से ढूंढना है जिस पर वो वैल्यू ज़ीरो दे देगा। ये तो हो गई थ्योरम। लेट सी द एग्जाम्पल फॉर रोलेज थ्योरम। नाउ प्रूव दैट देयर इज सम सी इन -2 to 2 विथ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एफ डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या है हमारे पास फंक्शन? फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नाउ फर्स्ट तो आपको ये चेक करना है कि वो फंक्शन उसमें कंटिन्यूअस है या नहीं और डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो क्लियर है भाई, ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है उस इंटरवल में। ये क्लियर है, कोई भी आपको पॉलिनोमियल आए उसे हमें चेक नहीं करना है क्योंकि वो 100% कंटिन्यूअस होता है। तो -2 to 2 में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब आपको एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है उस पॉइंट पर, दे रहा है बिल्कुल, -2 भी 2 भी। अब सेकेंड हम क्या चेक करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। अब इस 2x वो आया, अब उस 2x में आप ये वैल्यू रख दीजिए। कौन सी वैल्यू आप रखेंगे? नहीं है तो 2x आया। अब एक कंडीशन हमको क्या चेक करनी होती है? एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब आपको ये एंड पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी। तो -2 स्क्वायर 4 एंड +2 स्क्वायर 4, दैट मीन्स दीज वैल्यूज आर इक्वल। एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू एफ ऑफ +2। एक वो कंडीशन भी फाइन हो गई, सेटिस्फाई। अब हम इसमें हमें क्या ढूंढना है? वो सी हमें इसमें सर्च करना है एट विच डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बिकम ज़ीरो। नाउ फाइंड एफ इन दिस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x। इसकी वजह से देयर इज नो नीड टू सॉल्व द डेरिवेटिव बिकॉज इट फंक्शन हैज़ अ टर्न अराउंड पॉइंट, दैट मीन्स इस फंक्शन के पास कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है और वो हमारा एक सिंपल पॉलोनोमियल है। ठीक है, तो जब हम उसमें ज़ीरो वैल्यू रखेंगे तो वो हमें ज़ीरो ही देगा उसके डेरिवेटिव में। अगर आप इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर में आप एक्स को हमें क्या प्रूफ करना है? एफ डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है यहाँ से? 2x, 2x इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वो सी की वैल्यू आपको क्या मिल गई? ज़ीरो। अब आप चेक कर लीजिए सी आपका इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं। सी बिलोंग्स टू -2 to 2, बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -2 to 2, दैट मीन्स रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। Now solve one more example. Check out this function fx equals to x square minus 4x is plus 3 on the interval 1 to 3. Satisfy Rolle's theorem and then find the value of c. Clear है? ये भी एक polynomial है, इसलिए वो 1 to 3 जो open interval, closed interval है उसमें वो continuous होगा। कंटिन्यूअस होने के साथ साथ वो पॉलिनोमियल है तो वो उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है,
अब आपको क्या फाइंड करना है, जो एंड पॉइंट लिमिट है वो इक्वल आ रही है नहीं, तो फंक्शन में आप रख लीजिए 1 और 3, तो उन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये इक्वल है, अब क्या फाइंड, कौन सा पॉइंट हमें सर्च करना है, x इक्वल्स टू सी, देन f डैश c इक्वल्स टू 0, तो f डैश c की आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 2x-4, 2x-4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमने c इक्वल्स टू क्या फाइंड कर लिया, 2, विच इज़ बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल 1-3, वो उसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू cos x इन द इंटरवल -π to π एंड 3π/2। cos x है तो ऑब्वियस ये कुछ फंक्शन जैसे होते हैं cos x sin x, और उन्होंने जो इंटरवल दिया है वो हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेंगे उस गिवन इंटरवल में। कोसाइन फंक्शन है, ये इसमें कंटिन्यूअस भी होगा और इसमें डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि कॉस और साइन जो इस टाइप के फंक्शन हैं वो डिफाइंड रहते हैं, उनकी वैल्यू आप एक्स को कुछ भी आप चेंज कीजिए, वो अगर एक्स कोई फाइनाइट वैल्यू है तो कॉस आपको हमेशा फाइनाइट वैल्यू ही देगा, कॉस भी और साइन भी। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे वो सी की वैल्यू, और एंड पॉइंट पर आपको देखना है वैल्यू सेम है नहीं, तो वी नो कॉस -π/2 0 एंड कॉस 3π/2 आर 0, दैट मीन्स बोथ दी क्वान्टिटीज आर इक्वल। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो दैट f डैश c इक्वल्स टू 0। फाइंड दी फंक्शन, फाइंड दी डेरीवेटिव इक्वल्स टू द डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos माइनस साइन x, एंड अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम g डैश c इक्वल्स टू 0। सो माइनस c इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व फॉर c, देन द मल्टीपल ऑफ pi फॉर साइन मल्टीपल ऑफ pi आर 0, दैट मीन्स c इक्वल्स टू n pi। साइन के केस में n पाई वाली सारी कंडीशन 0 होती हैं, तो n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब बट आपके पास इंटरवल फिक्स है -π/2 to 3π/2, तो इसमें सिर्फ बेटे दो वैल्यूज़, एक तो 0 और दूसरी कौन सी होगी, पाई, बस ये दो वैल्यूज़ ही इस इंटरवल में आ रही हैं, तो c की हमारे पास दो वैल्यू मिल गई 0 एंड c2 इक्वल्स टू पाई। इन दोनों पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, दैट मीन्स रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन। थैंक यू सो मच।